तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रसल। अभी तो भाई कोडी रोड्स को लेकर के डब्ल्यूडब्ल्यू एक लेजेंड है, यानी ये टेडी लॉन्ग है। उन्होंने भाई एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट पास की है एंड उन्होंने कहा है कि कोडी रोड्स ही डब्ल्यूडब्ल्यू में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीत रहे हैं, जो कि अगले रेसलमेनिया में उनका मैच होगा। हाँ, उन्होंने रॉक से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा एंड क्या रॉक अब उनका मैच होगा भी नहीं होगा, भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन से आ रहे हैं, क्योंकि कोडी रोड्स का न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स करके बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कोडी रोड्स फिर से रोमन रेंज को फेस करेंगे एंड प्रोबेबली हो सकता है वो रोमन रेंज को हरा करके इस बार चैंपियनशिप को ले भी ले रोमन रेंज से। एंड अगर अभी आप बात करोगे कि रोमन रेंज से ले, क्या रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के बाद चले जाएंगे, तो भाई टेडी लॉन्ग इस चीज को लेकर के भी कहते हैं कि भाई रोमन रेंज अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि उनको किसी भी चैंपियनशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड उनके लिए भाई काफी सारे पहले ही ओपोनेंट है, सोलो सिकोवा हैं, जिमी उसो हैं, जे उसो हैं एंड एक मोमेंट ऑफ द टाइम पे हमको फोइटल फोर भी मैच भी इनके बीच डब्ल्यूडब्ल्यू करा सकते हैं, जहां पर सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस जिमी उसो वर्सेस जे उसो होगा एंड इस मैच में कोई भी चैंपियनशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड काफी सारे मेंबर ब्लड लाइन में जुड़ना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, स्टोरी लाइन में आना चाहते हैं रोमन रेंज के साथ। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में काफी सारे रेसलर अपनी आपको स्टोरी लाइन में पुट करना चाहते हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट में, उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ रोमन रेंज से मैच चाहिए। तो भाई बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं रोमन रेंज से एंड काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है टाइटल ड्रॉप करने के बाद भी, तो यहाँ पर रोमन रेंज का जरूरी नहीं है कि उनके से अगर टाइटल नहीं लिया जाएगा तो वो उनकी स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। अब ऐसा मोमेंट ऑफ द टाइम आ चुका है कि अगर रोमन रेंज से टाइटल ले भी लिया जाता है तो रोमन रेंज की वैल्यू पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त रोमन रेंज ने अपने आप की वैल्यू बनाई है, ना कि इस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप की। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को क्या लगता है, क्या रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में कोडी रोड्स हमारे न्यू चैंपियन बनके निकलेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक ही, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।